सरकार की उपलब्धि की सरकार की भविष्य का विकास दोगुनी हो। उन्होंने कहा धर्म दुरुपयोग करने को पनपने नहीं देना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री देशों की एकता अखंडता को करना चाहता है। कहा कि समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्री टूटो से मुलाकात की और आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। सलाहकार और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा तथा खुफिया सलाहकार ने सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने इस्लामिक जैश ए मोहम्मद, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन जैसे आतंकवादी गुटों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने का फैसला किया। दिल्ली की एक अदालत ने हाथरस की कथित घटना के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के दो खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस की घटना के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर पहुंची। पुलिस ने घटना के बाद में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तथ्यों का पता लगाने के लिए उस स्थान का दौरा किया। उधर अपमानित करने की कोशिश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई पर उठाई। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों के 58 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया। इन सीटों का कार्यकाल इस वर्ष अप्रैल मई में समाप्त हो रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश से 10, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कर्नाटक से 4-4 सीटें हैं। अधिसूचना 5 मार्च को जारी। अमरीका में तहत